पे तो रेगुलर नहीं आ पाता आदमी, पर कुछ लोग आते हैं, तो कुछ ऐसे कोर मेंबर्स होने चाहिए 5-10, है ना। और ये इस तरह के जो वो होते हैं, जैसे वर्ल्ड आफ्टर डे होता है, पहला जो संडे होता है मई का, उस दिन वर्ल्ड लाफ्टर डे होता है, उस दिन आसपास के लोगों को बोलें, है ना। और लाफ्टर क्लब से लोगों को कैसा जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इससे अच्छी मिसाल ये जो लाफ्टर क्लब है मनपसंद गार्डन का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, अपने को विज्ञापन नहीं करना, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करनी है, लेकिन नियमित आप लाफ्टर करने लगें और बात पहुंचती है, आप दूसरे को बताएंगे, दूसरा तीसरे को बताएगा, अपने आप लोग आते हैं। हमने तो जब लाफ्टर क्लब शुरू किया था तो हमको नहीं मालूम था कि इतने लोग आएंगे, अब हज़ारों लोग वहाँ आ चुके हैं। जैसे गंगा में लोग नहा के कितने लोग जाते हैं, कोई गिनती नहीं होती है। इवन विदेशों से आते हैं और वो हमारे क्लब को देखते हैं, मिल के जाते हैं, 2-3 दिन हम लोग के साथ रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये लाफ्टर क्लब्स इसकी जान है। और इसका जो सत्र है, हमने आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको दिया हुआ है पेन ड्राइव में, जिसके पास नहीं होगा तो आपसे ले लेंगे। तो वो सत्र उसको देख के कोशिश करिए, सीख के करें, मतलब बहुत कठिन होता है कोई चीज़ को सीखना, ये एक लाइफ स्किल है, है ना, एक स्किल है जो आप सीखते हैं। और एक बार आप सीख लेंगे ना, जैसे साइकिल चलाना सीख लिया आपने ना, तो वो हमेशा चला सकते, भले ही कोई भालू के जैसे चलाए, कोई बंदर के जैसे चलाए, लेकिन वो चलती है साइकिल, वो भूलता नहीं है उसके बाद। और वो स्टेप्स आप दोहराएं। लोग क्या करते हैं, शुद्ध रूप में सीखने के बजाय ना, पहले से उसमें मिलावट करने लग जाते हैं, कुछ दूसरा किया, तीसरा किया, वो उसके लिए समय है। अब जैसे हम लोग इतना लाफ्टर करते हैं, कल हमारे पास इतने गेस्ट वगैरह आ गए, हम लोग आज का सेशन वगैरह का कुछ प्लान नहीं कर पाए, है ना। हमने ये सोचा था आखिरी मोमेंट में इंडियंस प्लान करते हैं कि कल शाम को करेंगे बैठ के, तो नहीं कर पाए। फिर हमने इनको बोला अपन चलते हैं वहाँ देखेंगे, तो वहाँ यहाँ जैसा हुआ मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ, है ना। तो लाफ्टर क्लब्स के बारे में ये मूलभूत जानकारी ये है। कुछ आपको पूछना है इस विषय में तो 1-2 प्रश्न अपन ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या है कि बहुत सारी लाफ्टर एक्सरसाइजेज नई नई हम लोग उसमें देते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो आप देखते रहिए। क्या है कि कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जो सदाबहार हैं, जिस दिन से लाफ्टर क्लब शुरू हुआ था, नमस्ते ग्रीटिंग करना ही है, हर किसी को हम रोज़ नमस्ते करते हैं, मिल्क शेक होता ही है, लायन लाफ्टर होता ही है, है ना, तकरार वाला होता ही है, इस तरह मोबाइल लाफ्टर, ये कितनी भी बार करेंगे, ये एक्सरसाइजेस हैं। ऐसा नहीं कि एक बार का एंटरटेनमेंट है, जैसे ऐसा तो नहीं कि आज आपने पद्मासन किया और शीर्षासन किया तो आसन ही बदल जाएंगे, आसन तो वही हैं, अब आपके लिए जो उपयुक्त हैं वो करें। अच्छा, कुछ नए नए एक्सरसाइजेज हमारे लाफ्टर लीडर्स तैयार करते रहते हैं अलग अलग देशों में, तो हम लोग उनको देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और जो अच्छी लगती है उसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एक ऑस्ट्रेलियन लाफ्टर क्लब की एक एक्सरसाइज देखी, तो बोले कि सब लोग आसपास रहते हैं लेकिन सुबह बहुत आलस आ रहा है कि लाफ्टर क्लब में जाने के लिए, है ना, तो अब जाएँ कि नहीं, तो थोड़ी सी खिड़की खोल के देख रहे कि कोई आया कि नहीं लाफ्टर क्लब में, तो वो खोल रहे हैं खिड़की तो दूसरा भी वही काम कर रहा है और फिर उसमें हंसी आ रही है। तो सबको एक खिड़की बंद कर लीजिए पहले अपने आंखों के सामने, थोड़ा सा खोलिए, दूसरा आ रहा है कि नहीं लाफ्टर क्लब में। पूरी खिड़की खोल दीजिए। और किसी भी चीज़ से लाफ्टर जनरेट हो, नए नए क्लब्स वाले बहुत सारी एक्सरसाइज जनरेट करते हैं। हम